Hey, what's up guys? Welcome back again with new video. And guys, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फोटो में चमक डाल सकते हो. गाइज, जब भी आप अपनी फोटो क्लिक करते हो तो गाइज आपकी फोटो एकदम डल होती है, ठीक है. उसमें कोई भी चमक नहीं होती और कपड़ों में जो कलर होते हैं काफ़ी यार फेड होते हैं गाइज, ठीक है. तो गाइज आज की वीडियो में आपको बस आसान तरीके से अपने फोटो में कलर को ऐड कर सकते हो और अपनी जो भी फोटो है ना उसमें जो कपड़े वेयर करोगे उसमें आप चमक डाल सकते हो ऐसे, जिससे फोटो काफ़ी अमेजिंग दिखेगी आपकी. तो गाइज उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, ठीक है. और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ, ठीक है. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करना, उससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन उस टाइम मिल जाएगी. सो या गाइस विदाउट एनी वेसिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट. ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको पिक्स आर्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने पिक्स आर्ट की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने एक फ़ोटो इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है. और इस फोटो में आप देख सकते हो जो कपड़े हैं ना बहुत ही डल दिख रहे, कोई भी चमक नहीं कपड़ों में गाइज, आप स्क्रीन में देख सकते हो फोटो में, ठीक है. तो गाइज मैं आपको पूरा कंप्लीट जो कपड़े हो ना चमक डाल के दिखाऊंगा, ठीक है. क्या करना आपको, उससे पहले यहाँ पे जो फोटो इंपोर्ट करिए पिक्स आर्ट में आपने, ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है. जैसे इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाओगे एंड यहाँ पे जो कलर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले आपको जो नीचे की साइड कई सारे कलर्स दिए गए, ठीक है. तो यहाँ पर कलर रिप्लेस पर क्लिक करूँगा सबसे पहले, ठीक है. कलर रिप्लेस पर क्लिक कर लेगा, ठीक है. तो यहाँ से मैं जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है. उसके बाद इसका जो रिप्लेस ह्यू दिख रहा है सबसे ऊपर, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा इस साइड कर लूँगा, ठीक है. इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में जो कलर होगा ना आप देख सकते हो एकदम रेड हो चुका है, जो काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड का, ठीक है. और अब बताऊँगा आप कैसे अपने कपड़ों में चमक डाल सकते हो. चमक डालने के लिए आपको सिंपली इस इफेक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है. एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली कलराइज का, ठीक है. इस कलराइज पे क्लिक करना आपको, ठीक है. एंड ऊपर इस इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इस जो लास्ट में जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है. गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो कपड़ों में ना पेंट करना है, ठीक है, यानी कलर करना है. फोटो जूम किया इस तरीके से एंड यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से. इसमें कर रहा हूँ स्क्रीन आप देख सकते हो, आपको पूरा कम्प्लीट इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है. मैं यहाँ पर पूरा कम्प्लीट इस तरीके से पेंट कर दूँगा, ठीक है. तो गाइज आप स्क्रीन में देख सकते हो पूरा कंप्लीट मैंने जैकेट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करना ऊपर, ठीक है. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इस कलराइज पे क्लिक करना है, ठीक है. इसका ह्यू आपको कम ज़्यादा करना है. ह्यू जैसे मैं कम कर रहा हूँ गाइज आप स्क्रीन में देख सकते हो जैकेट का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं जैकेट का कलर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है. मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया एंड टिक पे क्लिक कर लेगा, ठीक है. और गाइज यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद आपको स्क्रीन में फोटो दिख रही है ना, जैकेट देखिए जैकेट में एकदम चमक नहीं आ रही. जैकेट में चमक लगी के आने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स के ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है. तो ये रहा सैचुरेशन, क्लिक करना सैचुरेशन पे गाइस, ठीक है. और फिर से क्लिक कीजिए सैचुरेशन पे एंड यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी क्लिक करना है, ठीक है. मल्टीप्लाई जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऊपर इस इरेजर के ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है. एंड यहाँ पर आपको इस लास्ट ऑप्शन पर जाना है, ठीक है. लास्ट ऑप्शन जाओगे उसके बाद सिंपली आपको अपनी जैकेट जो भी हमें टी शर्ट या शर्ट वेयर कर रही है उसमें ड्रॉ करना है. जैसे मैं ड्रॉ करूँगा अब गाइस स्क्रीन में देख सकते हो पूरा ये देख लीजिए कलर एकदम चमक रहा है, ठीक है, इस तरीके से. और उसके देख सकते हो पूरा कंप्लीट में ड्रॉ करूँगा इस तरीके से और जैकेट एकदम चमकेगी यहाँ पर गाइस. और इस तरीके से ना आप बड़ी आसानी से अपने जो बीच शर्ट या टी शर्ट में ना एकदम चमक लेकर आ सकते हो और फोटो काफ़ी अमेजिंग दिखते गाइस, ठीक है. तो गाइस यहाँ पर देख जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो वैसे आप स्क्रीन देख सकते हो पूरा जो जैकेट का जो कलर है एकदम निखर के आ रहा है, ठीक है. यानी कलर निकल के आ रहा है और इस तरीके से मैं उसको कंप्लीट ड्रॉ करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो एकदम कैसे दिखेगी आपको. तो ये देख लीजिए फ़ोटो काफ़ी यार अमेजिंग दिख रही है इस सैचुरेशन वाले ऑप्शन को यूज़ करने के बाद, ठीक है. तो अब देख लीजिए फ़ोटो में जो जैकेट है ना वो एकदम अलग दिख रही है, ठीक है, यानी कि एकदम मस्त दिख रही है. तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, उसको पूरा यार ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है. तो मैंने कर लिया इतना और गाइस आप देख सकते हो
जैकेट का जो कलर पहले था और अब है उसमें कितना अंतर है आप देख सकते हो स्क्रीन में गाइस। ठीक है, तो अब जैकेट एकदम चमक रही है। ठीक है, ये देख लीजिए जैकेट एकदम चमक रही है। बिफोर दिखा दो पहले, मैं टिक पे क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, बिफोर दिखा दो आपको। ठीक है, जैकेट ऐसी थी पहले। ठीक है, और अब देख लीजिए जैकेट में एकदम अमेजिंग लुक आ चुका है। उसके बाद फिर से मैं जाता हूँ इफेक्ट्स के ऑप्शन पे एंड जो कलर है उसका ऑप्शन फिर से क्लिक किया गया। ठीक है, एंड इस इरेजर के ऑप्शन क्लिक किया मैंने एंड इस लास्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो जीन्स पहन रखी है मॉडल ने, ठीक है, इसमें ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पैंट में जो कलर है ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इस इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से आपको फिर से सैचुरेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से सैचुरेशन क्लिक करना है एंड यहाँ से मल्टीप्लाई सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद ऊपर इस इरेजर के ऑप्शन क्लिक करना है आपको एंड उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जूम करना है। ठीक है, एंड जो भी आपने जीन्स पहने होंगे उसमें ड्रॉ करना है सीरीज में। जैसे ड्रॉ करोगे तो देख लीजिए अलग से चमक आ रही है। ठीक है, डेनिम में। ठीक है, जो भी जीन्स पहनने की उसमें अलग से चमक आ जाएगी इस तरीके से, जो काफ़ी अमेजिंग दिखता हो। इस तरीके से आप अपनी जो भी कपड़े पहने हुए आपने, ठीक है, उसमें एक चमक लेकर आ सकते हो। तो दिखा दो ऐसे, ठीक है, पूरा कंप्लीट इसको करके मैं ये ऑलमोस्ट हो चुका है ऐसे। ठीक है, और जैसे अब देख सकते हो वहाँ पे मैं टिक पे क्लिक कर लिया ऐसे, ठीक है, मैंने बिफोर एंड आफ्टर ऐसे। ठीक है, तो देख लीजिए जो कपड़ों में एकदम चमक आ रही है ऐसे। ठीक है, जिससे फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है और इस तरीके से आप अपने फ़ोटो में एकदम अमेजिंग चमक लेकर आ सकते हो इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद जो मैंने आज आपको बताई। ठीक है, फिर उसके बाद फोटो सेव कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ टूल पर जाना आपको एंड यहाँ पे इस टिक वाले ऑप्शन थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेव इमेज, और उसके बाद आपकी फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो लाइक तो शेयर करो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहोगे, यानी कि हेल्प करती है। गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटमेंट के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निकल।